तो हमारे पास आज एक चार्जर है इसीकॉम का, ये वाला। आज हम इस चार्जर को अब लोड पर टेस्ट करेंगे, ठीक है? तो चलिए इसको चेक करते हैं। मैं आपको बता देता हूँ इसका हमारा लोड टेस्टिंग मशीन कौन सी है। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारा लोड टेस्टिंग मशीन है। इसमें चार रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, हर एक रेजिस्टेंस 12-12 एम्पियर का लगा हुआ है और इसकी एमसी भी लगी हुई है। ये हमारी लोड टेस्टिंग मशीन है। तो हम इस एक्जिकॉम चार्जर को हम इस मशीन के ऊपर चेक करेंगे और स्टेप बाय स्टेप लोड हम डालेंगे इस चार्जर के ऊपर, ठीक है? और ये चार्जर का कनेक्टर है। अब इस कनेक्टर को हम इस कनेक्टर के साथ हम ज्वाइंट कर देते हैं। ये हमारा जुड़ चुका है, एमसी भी हमारी सारी डाउन है इस टाइम, ठीक है? अब इस चार्जर में हम पावर सप्लाई देते हैं। ये हमारी सप्लाई है, सप्लाई में हमारी इनपुट सप्लाई मिलती है जो कि 230 वोल्ट की सप्लाई जो घरों में आती है वो सप्लाई हम इसमें इन कराएंगे यहाँ पर, ठीक है? एमसीबी लगी हुई है, हम इसको अब देख इन कराते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारा चार्जर ऑन हो गया है। अभी इसके ऊपर लोड नहीं दिया गया है। अभी जैसे जैसे हम इसके ऊपर लोड डालेंगे वैसे ही इसकी स्पीड और फैन की स्पीड तेज होती चली जाएगी, ठीक है? अब इसके अंदर लोड डालते हैं। ये देखिए, अब 12 एम्पियर का हम फर्स्ट लोड अपलोड इस पर डाल रहे हैं। अब देख सकते हैं इसकी फैन की स्पीड तेज हो गई है। थोड़ा पास में लेकर आवाज, ठीक है? अब फैन की स्पीड देख सकते हैं, सुन सकते हैं इसके अंदर कितनी स्पीड शो कर रहा है। अब इसके अंदर सेकंड लोड हम अपलोड कर रहे हैं इसके अंदर। अब ये आप देख सकते हैं इसकी स्पीड भी और ज्यादा तेज हो गई है पहले से। अब इस चार्जर के अंदर 24 एम्पियर का लोड आ चुका है। अब इसके ऊपर लोड और बढ़ाते हैं। जो फुल लोड होता है हमारा, ये 36 एम्पियर का लोड इस पे आ चुका है चार्जर के ऊपर। आप देख सकते हैं नॉर्मल स्पीड में जो हम चार्जर अगर बैटरी में लगाते हैं तो जो एक लोड मिलता है चार्जर के ऊपर, वो लोड अब इस स्पीड में अपने चार्जर चलेगा। ये अभी कम्युनिकेशन कर रहा है, गाड़ी को चार्जिंग मोड पर आ गया ये। इस तरह से हमारा ये लोड टेस्टिंग मशीन से हमारा चार्जर चेक हो गया है कि चार्जर के ऊपर लोड डाल के हम चेक कर सकते हैं जिससे कि हमारा चार्जर कितना लोड उठा सकता है। हम इसके अंदर इस लोड टेस्टिंग मशीन से हम इसलिए चेक करते हैं दोस्तों, जैसे कि अगर चार्जर के अंदर कोई फॉल्ट है या हम डायरेक्ट हम बैटरी से अटैच कर देते हैं तो अगर कुछ दिक्कत है तो ये चार्जर फॉल्टी होने का ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो इस वजह से हम इसको स्टेप बाय स्टेप लोड डालते हैं चार्जर के ऊपर, जिससे कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो हमें कम प्रॉब्लम्स में ही हमें पता चल जाएगा। अभी हमारा फुल मैक्सिमम लोड पर चल रहा है। अब देख सकते हैं हम इसकी स्पीड लोड कम करते हैं, इसकी फैन की स्पीड भी कम हो जाएगी। साउंड सुन सकते हैं आप, जैसे हम बढ़ाएंगे वैसे वैसे लोड इस चार्जर के ऊपर आएगा और ये स्पीड तेज होती रहेगी। अभी नॉर्मल साउंड है विदाउट विदाउट लोड। अब इस चार्जर के ऊपर कोई लोड नहीं दिया गया है। 12 एम्पियर, 24 एम्पियर, 36 एम्पियर, तो ये हमारा चार्जर इस टाइम ओके कंडीशन में है और ये हमारा चार्जर वर्किंग में वर्क कर रहा है इस टाइम।